खबर गंजबासोता से है, जहां भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन संबंधी खबर को प्रमुखता से दिखाने के कारण प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है और नगर पालिका को कुंड बनाकर प्रतिमा विसर्जन करने के निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में SDM राजेश मेहता ने कहा कि जनमानस की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए प्रतिमाओं को सम्मान के साथ कुंड बनाकर विसर्जित किया जाए। तो वहीं नगर पालिका CMO सुधीर उपाध्याय का कहना है कि जब प्रतिमा का विसर्जन किया गया था तब बेतवा नदी उफान पर थी और पुल से 10 फीट ऊपर पानी बह रहा था, लेकिन अब पानी पुल से नीचे उतरने के कारण प्रतिमा ऊपर दिखने लगी है। तो वहीं मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा पानी में घुल गई, लेकिन POP की मूर्ति पानी में नहीं घुल पाई, जिससे उनके अवशेष पानी उतरने के बाद साफ देखे जा सकते हैं, जिन्हें नगर पालिका प्रशासन द्वारा एक कुंड बनाकर पुनः विसर्जित किया जा रहा है। जिस दिन गणेश जी का विसर्जन हुआ था उस दिन नदी काफ़ी चढ़ी हुई थी और नदी के चढ़ने के कारण उक्त स्थल से जो विसर्जन किया गया है और नदी के उतरने के बाद वो अवशेष दिख रहे हैं उनको नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारी आप देख रहे हैं पीछे, अभी तत्काल में उनको उठाकर और पानी में विसर्जित कर रहे हैं और एक अभी JCB को भी बुलवाया गया है नगर पालिका प्रशासन द्वारा और उसमें एक कुंड टाइप का हम गड्ढा बना के और उसमें जो शेष अवशेष हैं उसको अंदर कर दें जिससे कोई अवशेष दिखे ना और अवशेषों पर कोई पैर ना रखे। ये कहाँ चूक हुई जो अवशेष ऊपर दिख रहे हैं? नहीं, ये चूक कहीं नहीं हुई है, चूक का कोई मामला नहीं है, चूँकि प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई थी 24 वार्डों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों से वाहनों अपने श्री गणेश जी को बाढ़ से डोर टू डोर लिया गया था और प्रशासन ने जो विसर्जन की व्यवस्था की थी वो नदी के चढ़ाव को देखते हुए जहाँ तक उचित हो सकता था वहाँ तक हमने विसर्जन कर आया है। तो मैंने CMO से बात की है, CMO ने बताया कि जब मूर्ति विसर्जन किया जा रहा था तो पानी ऊपर था, बाढ़ की स्थिति थी, चूँकि पानी अब नीचे उतर गया है तो कुछ भगवान की मूर्तियाँ ऊपर रह गई है, उसको अभी तुरंत कुंड बना करके उसको व्यवस्थित तरीके से उसका विसर्जन करा दिया जाएगा सम्मान से।